As you can see, जुगाड़। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। डॉग्स का भी फेवरेट ढाबा है शायद ये, है यहाँ के लाल पेरू। दिस इज दी भीमताल लेक। शोले याद आया था फिर। I hope you all are having a lovely day. It is so good to see you all back. But if you are someone new, hi, I'm Sagrika Yadav and I make videos on beauty, lifestyle and vlogs. And welcome back to my another vlog. So as you know, एक बहुत लंबा वीकेंड है, that is 12, 13, 14 and 15 August. और काफ़ी सारे लोगों ने प्लान्स बनाए हैं, बाहर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ 3 डेज के लिए on a road trip. So I'm leaving tomorrow, that is 13th August, Sunday. अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5, तो यार पैकिंग तो आज ही सारी करनी है। इट इज़ 12th August एंड इट्स अराउंड 3 PM, 4 PM। अभी मुझे फटाफट पैकिंग करनी है फॉर 3 डेज एंड मैंने एक वीडियो भी डाला था, ईजी एंड स्मार्ट वेज टू डू द पैकिंग, यहाँ कहीं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। एंड आई लव दोज ट्रिक्स। इफ यू आर समवन हु ओवर पैक्स, देन दोज ट्रिक्स आर डेफिनेटली फॉर यू। आई यूज देम ऑल द टाइम। फटाफट Let's do the packing. So we are making this bag. Okay, let's begin with the clothes. I'm starting with two different jeans. I'm carrying two different jeans, one backup jeans, and I'm taking three tops with me. Okay, one jacket. बिकॉज वहाँ पे तो थोड़ी सी ठंड है। आई एम कैरिंग टू ट्रैक पैंट्स एंड टू लूज टी शर्ट्स फॉर द नाइट, तो मैं फटाफट इनको सेट कर लेती हूँ अभी। ऑलराइट, सो क्लोथ्स आर डन, नाउ इट्स टाइम टू कीप माय मेकअप एंड स्किन केयर एसेंशियल्स। सो मेरे पास ये मेकअप बैग है विच आई गॉट फ्रॉम नायका। ऑल माई मेकअप इज ओवर हियर, एज यू कैन सी। Then I have my sunscreen, very important, my underarm roll-on and moisturizer, chota sa, very travel friendly. Then a body oil as a body moisturizer. Then Vaseline, and you know how useful Vaseline is. Alright. Then so basically mera ye body wash tha. एंड ये पूरा बॉटल तो मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने इसको ये छोटे से, आई हैड दिस छोटू सा क्लेंजर बॉटल विच आई गॉट एज अ फ्री मिनी गिफ्ट, सो मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया इसमें। एज यू कैन सी जुगाड़। नाउ आई हैव इनफ बॉडी वॉश फॉर 3 डेज। ऑफकोर्स द मेकअप रिमूवर, माई सलार वाटर। यस, सो जैसे जैसे करके my bag of skincare and makeup essentials is ready. So yeah, if you don't have a makeup bag, then you should definitely invest in one. Kafi travel friendly hota hai. So yeah, it's ready. I have with me my shoes, white purse which I really really love. Mujhe maine Myntra se liya tha and it literally goes with Indian and Western any kind of outfit, so I love it. So I'm keeping this, and white, very universal color. So the packing is almost done. I just have to keep my charger, my earphones, my power bank, very important. So ab main aap logo se milungi at 4:30 early morning. It's too early, and then we will begin our road trip. So come with me on a road trip tomorrow morning. See you in the morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं एंड मुझे फटाफट अब फ्रेशन अप होके रेडी होना है टू लीव अराउंड 5, और हम जल्दी निकल रहे हैं ताकि वहाँ पे जल्दी पहुँचें, सो आधा दिन मिल जाएगा हमें घूमने के लिए। एंड आई कांट बिलीव यार कि सनराइज़ होने से पहले उड़ गई मैं, मतलब आज तो कमाल हो गया। एक्चुअली इतना अंधेरा है, मैं तो स्ट्रीट लाइट की लाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ अभी। वी हैव टू गो।
सो फाइनली वी आर ऑन द रोड ट्रिप और मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं. वन इज गेट रेडी विथ मी फॉर द रोड ट्रिप एंड अनदर वीडियो इज रोड ट्रिप एसेंशियल्स. क्या क्या आइटम्स आपको कैरी करना चाहिए रोड ट्रिप पे, दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पे जाके जरूर देखना. सो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, इट्स अराउंड 5:30 AM इन द मॉर्निंग और हल्की हल्की रोशनी होने लगी है और सुबह सुबह दिल्ली कैसा लगता है चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. सो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, इट्स अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग. दिल्ली में जगह जगह चेकिंग चल रही थी, काफी सारे पुलिस देखने मिल रहे थे बिकॉज इंडिपेंडेंस डे आने वाला था. मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो आई प्रिफर नो मेकअप और वेरी लेस मेकअप. सो मेरे फेस पे फिलहाल सिर्फ मॉइस्चराइजर और लिपस्टिक है, दैट्स इट. और ये ग्लो तो एक्चुअली वेकेशन का एक्साइटमेंट है. बाय द वे ये है प्रगति मैदान का टनल और मैं भी यहाँ से पहली बार गुजर रही हूँ और इतना खूबसूरत था ये. मतलब दोनों साइड आपको आर्ट वर्क्स देखने मिलेंगे, पिलर्स पे भी डिजाइंस बने हुए थे और इतना प्यारा लग रहा था. और प्रगति मैदान जैसे कि आप जानते हैं कि काफी फेमस जगह है दिल्ली में जहाँ पे बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं. सो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे. मुझे आने लगी थी हल्की हल्की नींद, सो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो बुक पढ़ते हैं. सो ये सुहाना सा सफर एंजॉय करते हुए आई वॉज रीडिंग दिस बुक बिल डोंट टॉक बाय राज शमानी और बहुत ही अच्छा बुक है ये. मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है आई कैन टेल यू इट्स अ वेरी हेल्पफुल बुक. मैं इस बुक का रिव्यू जरूर डालूंगी अपने चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक करना ताकि मैं जब वो वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. और तब तक के लिए आप मेरठ शहर के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करिए. सभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं ग्रह मुक्तेश्वर इन यूपी और लगने लगी थी बहुत जोरों की भूख. तो हम आ पहुंचे शिवा ढाबा मामा यादव जो कि काफी फेमस है शायद बिकॉज बहुत सारी गाड़ियां यहाँ रुकी थी और अंदर से भी काफी क्राउडेड लग रहा था. बट ये जगह सरप्राइजिंगली सिर्फ इंसानों का ही फेवरेट नहीं है, अलग अलग स्पीशीज यानी कि डॉग्स का भी फेवरेट ढाबा है शायद ये. सो क्यूट है ना. और मैं किसी रेस्टोरेंट जाऊं और आप लोगों को उसका मेन्यू नहीं दिखाऊं तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो ये लीजिए शिवा ढाबा का मेन्यू, तो काफी सारी वैरायटी है यहाँ पे. तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया पनीर पराठा मस्त मक्खन मार के एंड ऑर्डर किया मिक्स वेज पकौड़ा ऑफ कोर्स चाय के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. पराठा तो यहाँ का बिल्कुल भी हैवी नहीं था बट इन पकोड़ों ने तो हमारी हालत खराब कर दी. मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी थे ये पनीर के पकोड़े बट टेस्टी भी थे सो मजा आया. तो फूड क्वालिटी वॉज गुड एंड इस ढाबा के आसपास भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा. देर वॉज अ टॉय स्टोर, कैंडी शॉप, आइसक्रीम पार्लर. अगर आप रोड ट्रिप पर निकले हो दिल्ली से उत्तराखंड तो इस ढाबा पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो. हेलो, सो फाइनली द पेट पूजा इज डन और अभी हम चल चुके हैं बैक टू आर जर्नी ऑन रोड ट्रिप. और हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है कि हम लोग भीमताल पहुंचेंगे अराउंड कब तक पहुंचेंगे? हाँ, वी आर एक्सपेक्टेड कि हम लोग 12 बजे तक भीमताल पहुंच जाएंगे और आज का दिन हम लोग स्पेंड करेंगे भीमताल घूमने के लिए. और कल का प्लानिंग है कि कल हम जाएंगे सुबह सुबह कैंची धाम और उसके बाद नैनीताल घूमेंगे और नैनीताल से देन अगेन बैक टू भीमताल बिकॉज हमारा जो होटल है वो भीमताल में बुकड है फॉर 2 डेज. सो ऐसा प्लानिंग है अभी. लेट्स सी कि ये कितना परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है. सो हाँ, चलो पहले भीमताल लेके चलती हूँ मैं आप सभी लोगों को और फिर हम कल जाएंगे कैंची धाम और नैनीताल. सुबह के 9 बजे. बाय द वे ये बिग बॉस वाला वॉइस काफी फेल था मेरा.
वेदर इज वेरी ब्राइट एंड सनी, मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो काफी तेज धूप है, तो इट इज टाइम टू यूज अ सनस्क्रीन। तो मैंने कैरी किया था ये डॉक्टर शेड्स का सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। ये मैंने यूज किया और मुझे फर्स्ट टाइम में ही काफी अच्छा लगा। इसका कंसिस्टेंसी काफी थिक है और अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको काफी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग भी फील होगा ये सनस्क्रीन। एंड दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, मुझे जेन्युइनली ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। तो अगर आप कोई नया सनस्क्रीन ट्राई करना चाहते हो जो आपको ग्लोइंग लुक भी दे अलॉन्ग विद प्रोटेक्शन, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। लुक एट माई स्किन, इट्स लुकिंग सो हेल्दी एंड ग्लोई। अगर आपको ये सनस्क्रीन परचेज करना है तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एंड वहां से जाके आप इसे खरीद सकते हो। सो नाउ लेट्स एंजॉय द सनी वेदर। तो बातों ही बातों में अब हम आ पहुंचे हैं रामपुर। बाय द वे मुझे रामपुर से शोले याद आया था, फिर मुझे याद आया कि वो रामगढ़ था, रामपुर नहीं। तो रामपुर से गुजरने वाला ये रास्ता देखने में तो काफी चौड़ा था बट अंदर से उतना ही मुश्किल रास्ता था। ये गांव के बीचों बीच से होते हुए हमें जाना था और पतली सी सड़क थी ये। सभी सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं और मुझे आने लगी थी हल्की हल्की सी नींद, बट सो नहीं सकते क्योंकि जागे रहना है, व्लॉग बनाना है पूरा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइट माई स्लीपीनेस ओवर हियर। सो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने एक छोटी सी झपकी तो मार ही ली। अभी हम पहुंचने वाले हैं रुद्रपुर थोड़े ही देर में। रुद्रपुर उत्तराखंड में एक शहर है और जैसे जैसे हम उत्तराखंड के पास जा रहे थे मौसम उतना ही अच्छा होते जा रहा था। मतलब तेज धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी और ठंडी हवा चल रही थी, बारिश जैसा मौसम था और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो अपने रोड ट्रिप स्नैक्स के पिटारे में से मैंने ये वेफर बिस्किट निकाला। बाय द वे आई लव वेफर बिस्किट्स, मुझे और मेरी मॉम को दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद है और ऑरेंज फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। सो मीनवाइल आई एंजॉय दिस वेफर बिस्किट। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट स्नैक क्या है। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, इट्स 12 PM इन द आफ्टरनून एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू रुद्रपुर इन उत्तराखंड। बाय द वे अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज मुझे काफी बड़े बड़े मॉल्स और स्टोर्स कलेक्शंस भी यहाँ पे देखने मिले थे। हमने तो यहाँ से फ्रूट शॉपिंग कर ली। तो ये है यहाँ के लाल पेरू। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लाल पेरू हैं। मैंने तो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था ये। तो इसको भी हम होटल पहुंच के ट्राई करेंगे कि टेस्ट कैसा होता है। सो रुद्रपुर से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी, और उत्तराखंड आते ही आपको नजारे तो देखने मिल ही जाते हैं। सभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी आते ही हमें काफी ज्यादा ट्रैफिक मिला। बेसिकली हम हल्द्वानी के काट गोदाम शहर से गुजर रहे हैं और काट गोदाम में आपको ट्रैफिक इसलिए भी देखने मिलेगा बिकॉज यहाँ पे काफी सारी दुकानें थी फ्रूट्स की, शॉपिंग की, क्योंकि काट गोदाम से भीमताल सिर्फ 1 घंटा दूर है। तो मुझे थोड़े बहुत पहाड़ और वो क्लाउड्स वगैरह देखने मिल रहे थे। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट लंच टाइम। सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप एट सागर रत्ना। इसका एम्बियंस इतना खूबसूरत है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड दिस इज मी, हेलो। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया दिस असॉर्टेड इडलीस विच वॉज डेफिनेटली यमी, एंड दिस पनीर मंचूरियन ड्राई, जो कि अगर आपने अभी तक सागर रत्ना में ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करना, डेफिनेटली 10/10। एंड दिस इज मी शेमलेसली हैविंग माई थर्ड कप ऑफ चाय, एंड नाउ वी आर अबाउट टू रीच आर डेस्टिनेशन विच इज भीमताल। और इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब लुक एट मी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वेकेशन। फ्रेश एयर, द नेचर, एवरीथिंग वॉज सो गुड। सो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम फाइनली पहुंच चुके हैं भीमताल। दिस इज दी भीमताल लेक। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली पूरा घुमाने वाली हूँ। आप और मैं मिलके बोटिंग भी करने वाले हैं, एक्वेरियम कैफे जाने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। तो उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वो नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी मेरे वीडियोस मिस ना करो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।